क्लास 12 इंग्लिश का फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 1 है द लास्ट लेसन, बहुत जल्दी से रिवाइज करेंगे। नेम ऑफ द चाइल्ड, वो जो बच्चा है उसका नाम क्या है? फ्रेंड्स। नेम ऑफ द टीचर, टीचर का नाम क्या है? एम हैमल। सब्जेक्ट टॉट बाई एम हैमल, एम हैमल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? फ्रेंच। हु सैट ऑन द लास्ट बेंच, जब एम हैमल का लास्ट डे था, चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, तो आखिरी बेंच में कौन बैठे हुए थे? द विलेज पीपल, जो गांव के लोग आए थे वो लोग। वॉट डिड एम हैमल ब्रिंग फॉर हिज लास्ट क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल, जब एम हैमल का लास्ट लेक्चर होना था, लास्ट क्लास थी, तो वो क्लास के लिए बच्चों के लिए क्या लेके आए थे? न्यू नोटबुक्स। स्क्रीन शॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 6, वॉट डिड फ्रांस फ्रेंड्स फाइंड ऑन रीचिंग स्कूल, जब फ्रेंड्स स्कूल में पहुंचा तो उसे क्या अजीब मिला? स्ट्रेंज क्वाइटनेस, मतलब जिस स्कूल के अंदर इतना शोर मचता रहता था, आज वहां पे पूरी तरह से सन्नाटा था। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हैमल सर्व द स्कूल, कितने सालों से उस स्कूल में सेवा कर रहे थे, यानी जॉब कर रहे थे, पढ़ा रहे थे? 40 सालों से। Why did the villagers come to meet M. Hamel in the school? जो villagers हैं last lesson वाले दिन, last day क्यों आए थे school में? To show gratitude, क्योंकि एक teacher ने जिसने 40 सालों से इतनी मेहनत की है, आज जब उसका आखिरी दिन है तो उसका gratitude यानी आभार व्यक्त करने के लिए villagers वहां पर आए थे। What attitude of M. Hamel surprised friends? M. Hamel के कौन से attitude से जो friends है वो surprise रह गया? सॉफ्ट एंड काइंड एटीट्यूड, क्योंकि आखिरी दिन फ्रेंड्स ने देखा कि वो टीचर जो रोज बच्चों को डांटता था, मारता था, आज बहुत सॉफ्ट है और काइंड है, इस वजह से वो सरप्राइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, विच डिस्ट्रिक्ट केम अंडर द प्रूशियन रूल, प्रूशियन रूल के अंडर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ गए थे? एल्सेस और लॉरेन। वॉट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या ऑर्डर आए थे? To teach German in the schools of Elsass and Lorraine, कि अब Elsass और Lorraine वाले schools में वहां जितने भी school होंगे वहां पे अब French नहीं पढ़ाई जाएगी, कौन सी language पढ़ाई जाएगी? German। What was unusual about M. Hamel's dress? जो आखिरी दिन था last lesson में, क्या unusual था उनकी dress में? He wore clothes he wore on prize days, उस दिन उन्होंने वो वाले कपड़े पहने हुए थे जो वो special days में पहनते थे या जब prize distribution ceremony होती थी school में तब पहनते थे। Why did M. Hamel call the French language the most beautiful? जो M. Hamel है वो French language को दुनिया की सबसे beautiful language क्यों कहते हैं? Because it was the clearest and logical, क्योंकि उनके हिसाब से ये दुनिया की सबसे ज्यादा logical और क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेयर डिड द फ्रेंच गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द वॉर, जो फ्रेंच के लोग थे फ्रांस के, उन्हें सारी इंफॉर्मेशन युद्ध यानी वॉर के बारे में कहां से मिलती थी? बुलेटिन बोर्ड से, क्योंकि उस टाइम पे इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह ये सब तो थे नहीं। विच बर्ड्स आर मेंशन्ड इन द स्टोरी, स्टोरी में कौन सी बर्ड्स का मेंशन किया गया है? पिजन्स यानी कबूतर का। What were the last words written on the blackboard? क्या last word M. Hamel ने blackboard पर लिखे थे? Viva la France, इसका मतलब होता है long live France, यानी France हमेशा अमर रहे, है ना, France हमेशा जीता रहे, ठीक है। So I hope कि मैंने बहुत जल्दी से जो revision कराया आपको बहुत अच्छा लगा होगा। Channel पे नए हो तो subscribe कर लेना, Telegram पे मुझे follow कर लीजिए, English Baba 123। मिलता हूँ next video में, bye।